वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम किसी डिटरमिनेंट के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, यानी कि अनचेंज रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपोज डिटरमिनेंट लिया 3 to 1, सपोज 6 5 4 0 0 1, आसान सा ले लेते हैं, ठीक है, ये कोई डिटरमिनेंट है। अगर मैं इसकी रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, जो नया डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू भी वही होगी जो इसकी वैल्यू है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3 to 1 6 5 4 0 0 1, ये वैल्यू होगी। और इस ऑपरेशन को हम इससे डिनोट करते हैं, आर आई गोज टू सी आई। जब हम क्वेश्चन करेंगे, या तो आप इस ऑपरेशन को ऐसे लिखेंगे इंटरचेंजिंग वर्ड में रोज एंड कॉलम, या आप इस सिंबल से लिखेंगे आर आई गोज टू सी आई, ठीक है। रिमार्क, इस प्रॉपर्टी से हमें एक डिडक्शन मिलती है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है जो कि 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखें, एक कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू तो इस प्रॉपर्टी में क्या रहती है? सेम रहती है ना। तो इसका मतलब इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ए का डिटरमिनेंट है जो हमारा 5 है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो 1/2 दोनों के क्या आ जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी सेकंड, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाई -1। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसकी वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये हमारा कोई भी डिटरमिनेंट है, सपोज डेल्टा है ये डिटरमिनेंट, मैं इसकी R1 और R2 को क्या कर देता है? इंटरचेंज कर देता हूं। और इस ऑपरेशन को हम कैसे लिखते हैं? R1 goes to and R2, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट मेरा क्या हुआ? 6 5 4 3 2 1 0 0 1। तो ये डिटरमिनेंट, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसकी जो वैल्यू आएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू का क्या होगी? माइनस होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी वैल्यू 3 आती है, अगर आप एक्सपेंड करके निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -3 आएगी, यानी कि दिस इज इक्वल टू -3 to 1 6 5 4 0 0 1, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -3 होगी, ठीक है। रिमार्क, द डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। जो इस प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलता है? रिमार्क कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है? 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो 0 होता है। कैसे? अब आपने डेफिनेशन की थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, क्या डेफिनेशन होती है? इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, ये किया था ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? अगर उसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, दिस इंप्लाई दोनों तरफ डिटरमिनेंट लें -A। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी, अगर ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट क्या होगा? सेम ही होगा। तो इस ये आ गया डेल्टा, मान लिया इसको हमने, ये भी डेल्टा, तो डेल्टा इधर आएगा 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट क्या आ गया? 0 आ गया।
यानी कि हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी थ्री, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर सेम है तो वैल्यू जो डिटरमिनेंट की जीरो आएगी, आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, तो उसकी वैल्यू आप जीरो पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 पेपर में पूछा जाता है आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, तो आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी लगा दो कि इसमें दो कॉलम के हैं सेम है ना, आइडेंटिकल है, तो आप क्या कहेंगे दिस इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है इसका सिंबल डिटरमिनेंट का आएगी गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। यानी ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम रो के हर एक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू जो डिटरमिनेंट्स की के से मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो मैट्रिक्स में आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, जैसे मान लो 4 से मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स को, तो उसका हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता था, और आपने एक ऑपरेशन भी किया था, ठीक है, R1 को जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया। मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में फर्क है, डिटरमिनेंट में क्या होती है वैल्यू, डिटरमिनेंट की क्या होती है वैल्यू होती है, और वो क्या होता है वहां पे थे हमारे सिर्फ ऑपरेशंस, अरेंजमेंट था सिर्फ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी डिटरमिनेंट लिया, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से R1 को, ठीक है, R1 को R2 को भी कर सकते हो या C1 को कर सकते हो C2 को कर सकते हो, एक साथ भी दो कॉलम या दो रो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपने मल्टीप्लाई किया R1 को मल्टीप्लाई किया सपोज 2 से, ठीक है, R1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो मेरा डिटरमिनेंट क्या आया 3 2 6 4। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू दोगुनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, जितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू आती है 3, तो इसकी कितनी हो जाएगी डिटरमिनेंट की 6 हो जाएगी, यानी कि दिस इज द ट्वाइस ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। ये गिवन डिटरमिनेंट का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे देखें रिमार्क, इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, समझ आ गया ना, इसकी वैल्यू 3 है और मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 2 6 टाइम हो जाएगी, यानी कि दिस इज द ट्वाइस ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। अब देखिए ध्यान से, ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है, इसका मतलब 2 क्या हो रहा है R1 से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है ना। देखो मैट्रिक्स में जब कोई भी कॉमन लेते थे ना आप एलिमेंट, हर एक एलिमेंट से कॉमन आता था, इसमें ऐसा नहीं होता डिटरमिनेंट में, ठीक है। इसका मतलब वी कैन टेक आउट अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम, ध्यान देखें, अगर हमारे पास देखो 6 4 2 है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, अगर इसी तरह कोई कॉलम है या रो है उससे हम, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी रो या कॉलम में से कोई कॉमन फैक्टर कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। दूसरा, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रो आर कॉलम आर प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट
इज जीरो। कैसे? अगर ये इसी से हमने ये कंक्लूजन निकाला है, इसी का ये पॉइंट है कि अगर हम इसी की डिडक्शन है, कह सकते हैं आप, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनल हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री के ए वन के ए टू के ए थ्री प्रोपोर्शनल एलिमेंट्स क्या है हमारे? प्रोपोर्शनल है, तो के हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे आर थ्री से, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, यहां से कॉमन ले लिया हमने के, टेकिंग कॉमन के फ्रॉम आर थ्री, तो ए वन ए टू ए थ्री, और आर वन और आर थ्री सेम है, आपने प्रॉपर्टी की थी, थर्ड प्रॉपर्टी की थी, अगर टू दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल है या सेम है तो वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है डिटरमिनेंट की, तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, इस पे प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ठीक है। आर वन और आर थ्री के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल है। प्रॉपर्टी फाइव, इफ ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू आर मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। देखें ध्यान से समझें प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि किसी रो या कॉलम, रो ही समझ लें आप, तो उसके कोरेस्पोंडिंग तो कॉलम भी है, अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स एज द सम ऑफ टू या मोर टर्म्स, अगर किसी रो या कॉलम के कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स अगर एज द सम ऑफ टू या मोर टर्म्स का सम है, तो हम उस डिटरमिनेंट्स को लिख सकते हैं एज द सम ऑफ टू आर मोर डिटरमिनेंट्स। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखें, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, इसकी आर वन के जो एलिमेंट्स हैं एज द सम ऑफ टू टर्म्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स, जरूरी नहीं है कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सिर्फ दो ही एलिमेंट है ना, सम और ऑल एलिमेंट्स, अब कुछ ही एलिमेंट, दो ही एलिमेंट है या सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, एज द सम ऑफ टू टर्म्स का सम है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम इस डिटरमिनेंट को एज द जितने एलिमेंट्स का सम है उतने ही डिटरमिनेंट्स के सम में इसको लिख सकते हैं। कैसे? ए वन, ध्यान से देखें इसको, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, एक तो डिटरमिनेंट हमारा ये आ जाएगा और दूसरा डिटरमिनेंट हमारा आ जाएगा इस लैम्डा से, लैम्डा बी वन सी वन, लैम्डा बी टू सी टू, लैम्डा B3 C3, ठीक है। अगर यहां पे लैम्डा यहां पे नहीं होता कुछ, तो हम इसको यहां पे क्या कंसीडर कर लेते, जीरो कंसीडर कर लेते, क्या कंसीडर कर लेते, जीरो, ठीक है। अगर मान लो ये तीन एलिमेंट्स का सम होता, तो यहां पे हम क्या ले लेते, जीरो समझ लेते, यहां पे जीरो, फिर यहां पे भी जीरो समझते, यहां पे भी फिर क्या समझते हम, जीरो, तो वही आ जाता। फॉर एग्जाम्पल तीन एलिमेंट है, मान लो यहां पे कुछ है फाइव है, तो फाइव बी वन सी वन, तो नेक्स्ट क्या होता, जीरो बी टू सी टू, तीसरा जो डिटरमिनेंट आता, ठीक है। हम इस प्रॉपर्टी का मैं क्वेश्चन से यूज करके दिखा देता हूं, प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव एक्स वाई जेड ए बी सी, ए प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो without expanding and using the properties of determinants, using the properties of determinants, properties of determinants का use करना है, but without expanding, expand नहीं करना है इसको, और ये prove करना है इसकी value क्या आएगी, zero आएगी। Take left hand side, हमने ये prove करना है इसकी value क्या है, zero, without expanding, expand नहीं करना, सिर्फ हमने properties
ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने एक्स वाई जेड ए बी सी। अब मैंने अभी आपको बताया था ये जो हमारे कॉलम सी थ्री के जो एलिमेंट्स है एज द सम ऑफ टू टर्म्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिख सकते हैं। तो पहला जो आएगा हमारा ए वाई जेड, बी ये एक्स प्लस ए, लिखेंगे इसको एक्स प्लस ए। तो पहला जो हमारा आएगा एक्स वाई जेड, ये हमारा क्वेश्चन। दूसरा जो डिटरमिनेंट बनेगा वो किससे बनेगा, ये तो आएंगे ही हमारे कॉलम सी वन एक्स वाई जेड ए बी सी। दूसरा बनेगा ए बी सी जो दूसरा एलिमेंट है, समझ आ रहे हैं। अगर सपोज मान लो यहां पे सपोज ध्यान से देखेंगे, मान लो यहां पे वन और होता तो तीसरा क्या बनता मेरा एक्स वाई जेड, तीसरा डिटरमिनेंट ए बी सी वन। अब इसके साथ क्या समझ लेते हैं आप, जीरो समझ लेते हैं, वन जीरो जीरो, समझ में आ रहा है। तीसरा डिटरमिनेंट हमारा ये बन जाता, ये कॉलम सेम आते वन जीरो जीरो, बट यहां पे वन नहीं है। अब सी वन और सी थ्री सेम है कॉलम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। कौन सी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी थ्री कि कोई भी दो कॉलम या अगर कोई दो रो सेम है तो वैल्यू डिटरमिनेंट की क्या होती है, जीरो होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो। दिस इज राइट हैंड साइड, हमने एक्सपेंड नहीं किया, एक्सपेंड नहीं करना था, वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है कि आपने विदाउट एक्सपेंडिंग एंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज जीरो। हमने जीरो दिखा दिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडिड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम। ये आपने इस प्रॉपर्टी को आपने मैट्रिसेस में भी किया है। अगर हम किसी रो में या कॉलम में किसी दूसरी रो के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर दें, ऐड कैसे, बाई मल्टीप्लाइंग एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स रो या कॉलम में ऐड कर दें। ये आपने ऑपरेशन पहले भी किया है, बट डिटरमिनेंट में क्या कहता है, तो वैल्यू डिटरमिनेंट की जस्ट लाइक ऑपरेशन, ऑपरेशन लाइक इस टाइप की ऑपरेशन अगर हम यूज करें, या कॉलम में तो वैल्यू जो डिटरमिनेंट की क्या रहती है, सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई डिटरमिनेंट लेते हैं हम, ठीक है, हमने इसलिए जीरो जीरो लिया है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं, हम कितनी आएगी 15 माइनस 12 3 आ गया इसका डिटरमिनेंट। तो अगर मैं इस पे इस लाइक का ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई कर रहा हूं आर वन गोज टू आर वन प्लस टू आर टू, तो जो नया डिटरमिनेंट आएगी उसकी वैल्यू और इस गिवन डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होगी, ये प्रॉपर्टी कहती है। तो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू, तो जो नया डिटरमिनेंट आएगा आर वन टू आर टू, टू से मल्टीप्लाई किया थ्री, टू जीरो रह गया, टू वन जा टू, टू प्लस वन थ्री, सिक्स फाइव फोर जीरो जीरो वन, ये डिटरमिनेंट हमारा ये हो गया। ये वो डिटरमिनेंट है कि हमने आर वन में किसके एलिमेंट्स को ऐड किया, आर टू के, यहां पे लिखेंगे आर वन क्योंकि आर वन में ऑपरेशन की है, किसको ऐड किया है आर टू को, बट मल्टीप्लाइंग द स्केलर टू, कॉन्स्टेंट टू से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया है। तो ये जो डिटरमिनेंट आया है इस टाइप का ऑपरेशन अप्लाई करके, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू और पहले वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होगी, ये प्रॉपर्टी कहती है। आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, या कॉलम का ऑपरेशन अप्लाई करें आप, सपोज मैं कॉलम का ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं सी वन गोज टू सी वन प्लस थ्री सी थ्री, ठीक है, तो इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे सी वन में चेंज आएगा, ध्यान रखना रो के ऑपरेशन ऐसे होते हैं थ्री जीरो के साथ ऑपरेट होगा, टू जीरो से वन वन से, अगर आर वन आर टू की है, और कॉलम की ऑपरेशन सी वन सी थ्री, ठीक है, सी वन में सी थ्री से तीन से मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया हमारा थ्री, ये हो गया हमारा ट्वेल्व और ये हो गया हमारा थ्री, तो सी वन में सी थ्री को ऐड किया है थ्री सी थ्री को, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस ट्वेल्व
18, 0 प्लस 3, 3, सी टू और सी थ्री चेंज रहे अनचेंज रहेंगे, 25, 0, 14, 1, इस ऑपरेशन में चेंज नहीं होते एलिमेंट्स, सी थ्री के एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ सी वन के चेंज होंगे। अगर आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ये प्रॉपर्टी 6 कहती है। ठीक है, ओके।